इनादिन अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम क्रॉस टॉक में सोनी पारस तव्हां सां गॾु ऐं को हिकिड़ो सियासी बहस हूंदो आहे जंहिं ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदा आहियूं ऐं तज़िया निगार बि असां सां गॾु हूंदा आहिनि, अहम शख़्सियतूं बि सियासी हवाले सां असां सां गॾु हूंदियूं आहिनि, हुकुमरान मां बि असां सां अहम शख़्सियतूं मौजूदु हूंदियूं आहिनि। अॼु जंहिं मौज़ूअ ते ॿ मौज़ू असां सोचियोसीं त हुते बहस ज़रूरु कजे, हिकिड़ो त इहो जेको एम क्यू एम वारो जेको सिलसिलो आहे जेको अॼु सभिनी स्क्रीन ते ॾिठो हूंदो, मीडिया समूरी हुनखे कवर कयो आहे, त हुनजो पाण में जेको इतिहादु थिए पियो उन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं त इहो सिलसिलो कहिड़ो आहे ऐं छा थियणु वञे पियो ख़ासि तौर ते कराची जी सियासत। ऐं ॿियो वरी जेको नवाज़ शरीफ़ ख़िलाफ़ु जेको हलंदड़ टे केस आहिनि, जेका दरख़्वास्त नवाज़ शरीफ़ दाख़िलु कई उन हवाले सां बि, त इहे जेके टे केस आहिनि त इन्हनि खे हिकिड़ो कयो वञे, हाणे उन में छा आहे छा कोन्हे इहो ज़ाहिरा सीनियर्स असांखे ॿुधाए सघनि था। सो इन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ स्टूडियोज़ में असां वटि जेके शख़्सियतूं मौजूदु आहिनि, सभ खां पहिरीं शख़्सियत जेका आहे पी पी अॻवाण आहिनि पाण, ग़ुलाम मोहम्मद बंगलाणी साहिबु। सर अस्सलामु अलैकुम, कीअं आहियो? ठीकु आहियो, भली कार कयूं था, क्रॉस टॉक में ॻाल्हि ॿोल कयूं था। ऐं ॿी जेका शख़्सियत आहे कर्नल रिटायर रेहान, सीनियर तज़िया निगार आहिनि। सर अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। और नैब से भी आपका ताल्लुक है तो उस पर भी बातचीत होगी आज, तो ठीक है इंशाल्लाह। ऐं ॿी जेका शख़्सियत पी टी आई सां सदन ताल्लुक आहे आफ़ताब जहांगीर साहबु। अस्सलामु अलैकुम सर, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। चले सर तव्हां खां ॻाल्हि ॿोल जी शुरूआति कंदासीं। पहिरें त हिकिड़ी नंढड़ी आहे जेका ॻाल्हि हले पई अॼु जेका असां सभिनी स्क्रीन ते ॾिठी आहे एम क्यू एम जे हवाले सां, त ॿिन्ही पार्टियुनि जो जेको इतिहादु थियणु वञे पियो, प्रेस कॉन्फ्रेंस बि अहम जेका थी आहे, छा था भायो हिन जो मतिलबु छा आहे, मक़सदु छा आहे, छा हिन जा नतीजा हूंदा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु खां कुझु अरसो पहिरियां 80s में एम क्यू एम जॾहिं ठही उन टाइम में आमिर जे सरपरस्तीअ में ज़ियाउल्लाह जे दौर में एम क्यू एम ठाहियो वियो। उन तंज़ीम खे अॼु वरी बि हिकिड़े आमिर जे छटीअ जे हेठां उनजी सरपरस्ती में उनजी सरबराहीअ में क़ियादत उनखे ॾियनि पिया, त सॼी दुनिया जे साम्हूं वाज़ह थी चुको आहे त आमिर जी पैदावार आमिरियत जे दौर जी तंज़ीम अॼु उन्हनि जे ई सरपरस्तीअ में पियो अचे, जेको मुशर्रफ़ जी सरपरस्ती में उनखे ॾियनि पिया। मुतहदा पाकिस्तान खे जेतिरो नुक़सानु उनजे साबिक़ क़ियादत मुल्क दुश्मन सिंध दुश्मन ख़ासि करे हिकिड़े लिखियलु पढ़ियल तबिके खे, उर्दू ॻाल्हाइणु तबिके खे, हमेशह उर्दू ॻाल्हाईंदड़ हिकु महज़ब ऐं लिखियलु पढ़ियलु तबिको सम्झो पियो वञे। अॼु हिन मुल्क जे अंदरि मुल्क दुश्मननि जो जेको नज़रियो हो उहो बि वाज़े थी वियो ऐं उन्हनि जी जेका तंज़ीम हुई आमिर जे सरपरस्तीअ में हलिया विया। ठीकु आहे सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सियासी तब्दीली तो ये ज़्यादा बहुत बिल्कुल इन्होंने सही बात की है, ये बैकग्राउंड से लेकर आए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये नज़र आ रहा था अगर आप देखें ना, क्योंकि अभी मैं आज भी बात कर रहा था कि दो पार्टीज़ जो मैं समझता हूँ जो ग्रास रूट लेवल से एक ग्रिप में एक फॉर्म हुई है, ठीक है ना, वन वॉज पी पी पी, उसके बाद आपकी एम क्यू एम बनी थी या बनाई गई थी, ठीक है ना, ये वो है जो ग्रास रूट लेवल से एक एम एक मकसद के तहत और एक सिस्टम के तहत ये आई थी, बाकी आपको सारी पार्टीज़ पता है। अभी कराची की सियासत में आप देखें सिंध, बल्कि ओवरऑल मैं सिंध की बात करता हूँ, ठीक है ना, सिंध में पी 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 का अगर आप स्टांस देखते हैं तो पी 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 अभी भी उसी तरीके से कायम दायम है, उतनी स्ट्रॉन्ग है अभी भी, मैं यही समझता हूँ। अगर किसी के जहन में ये होता है कि पीपीपी को आप एक इलेक्शंस में या नेक्स्ट इलेक्शन में आके आप उसको तोड़ मरोड़ देंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, इनका इतिहाद उसके हवाले से बताएं कि जो इतिहाद होने जा रहे हैं वो किस नज़र से आप देखते हैं? इनका इतिहाद होना था, इनका इतिहाद इसलिए होना था, बिल्कुल एज फार एज द कराची सियासत इज़ कंसर्नड, और उसके अलावा इनका इतिहाद होना था, ठीक है। ये जब आपका ये डिप्टी मेयर उधर गए, मेरा अपना एक ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी से आमिर खान साहब, तो मेरा ये था कि अरशद वोरा साहब, उसके अरशद वोरा के बाद ही ये सारी आपकी चेंजेस आई हैं, ठीक है ना। पीपीपी अपना जो मुतहदा एमक्यूएम पाकिस्तान थी उसके अंदर भी अभी इस टाइम पे दो धड़े एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये ज़्यादा बेहतर सारे समझते हैं, ठीक है ना। और अभी भी लोग कह रहे थे कि वो आमिर खान, वो कह रहे हैं जी उससे रابطے में, आज खबरें मैं देख रहा था कि जी आमिर खान से रابطے में हैं, और जो तजाद हुआ है इस इजलास में उधर अनीस खानी इज नॉट एग्रीड। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका ये जो हमाद सिद्दीकी वाला केस, ठीक है ना, हमाद सिद्दीकी अभी जब आएगा तो सबके नाम आने सामने, ठीक है ना, तो इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड है और ऐसी लीडरशिप रिक्वायर्ड है जो कि जो एलिगेशन होते हैं उसको वीकन कर सकें और
पार्टी की एग्जिस्टेंस को बरकरार रख सके। ठीक है सर, जहांगीर साहब आपसे पूछेंगे, कराची की सियासत में थरथला, तो क्या आप कहना चाहेंगे? असल में कराची की सियासत जो है ना, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने ये अपने प्रोग्राम में दावत दी। मैं वो एक शेर जो है वो जो कल सुप्रीम कोर्ट ने लिखा अपने फैसले में, इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, समझे ना? तो ये जो शहर कराची था ना, ये पिछले 26-27 साल से लूट रहा था और लूटने वाले भी मौजूद थे उस वक्त। अभी जो इन्होंने मेरे दोस्त ने बात की कि ग्रास रूट लेवल, पीपल्स पार्टी और MQM दो पार्टियां थी, ये मेरे ख्याल में भूल गए। 21 साल की जद्दोजहद है हमारी, खान साहब की 21 साल के बाद जाकर आज इस मुकाम पर पहुँचे। जो रातों रात पार्टियाँ बनती हैं, उस वक्त जो गैप था बहुत बड़ा, जिस गैप को भुट्टो साहब ने फिल किया रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर, उसके बाद कराची के आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया कोटा सिस्टम के नाम पर, समझे ना? तो इसलिए ये कोई ग्रास रूट पार्टियाँ नहीं थी, ये तो माफिया हैं। जो आप आज अब इनकी उनका जो वो किला वो जो था ना किला, वो टूटा जब इनके भत्ते बंद हुए, जब इनकी लाशों का सियासत ख़त्म हुई, तो ये टूट फूट का शिकार हो गए। अभी पिछले दिनों जो फारूक सत्तार ने कराची की हल्का बंदियों के ऊपर प्रोग्राम किया, फेल प्रोग्राम था वो, उसके बाद इनको एहसास हुआ कि नहीं अब दोबारा से हमें एक होना है। सर आप भी तो गए थे ना MQM से मिलने, मुझे जहाँ सर देखिए हमारा जो मिलना जो है हमारा मिलना एक डिफरेंट मिलना था, लेकिन हम इस कराची की हदूद की कराची की बात करें, मैं कराची का रहने वाला हूँ, मुझे पता है कराची की सियासत का, समझे ना? लेकिन बात यह है कि अब उन्हें महसूस हुआ कि नहीं ना, मुस्तफ़ा कमाल भी नाकाम हुआ, अभी तक वो प्रैक्टिकल सियासत में नहीं आया, लेकिन जो प्रोग्राम उसने किया, उसने एक मिलियन मार्च का ऐलान किया था, फेल मिलियन मार्च। इन्होंने अभी हल्का बंदियों के ऊपर प्रोग्राम किया, इन्होंने कहा जी हम कराची को 1 करोड़ आवाम। अच्छा वैसे आइंदा लाए अमल क्या है, आप लोग इत्तेहाद दोबारा करेंगे, आपका ख्याल है? नहीं ये तो इनकी बका है, देखिए अभी ये होगा क्या, नहीं PTI की बात करें, PTI MQM से इत्तेहाद करेगा? देखिए हमने आने वाले वक्त में, नहीं नहीं देखिए वो एक मतलब नहीं नहीं होगी है ना, नहीं हो सकती, ये खाम ख्याली है, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये खाम ख्याली है। हाँ ये होना क्या है, आज PSP MQM ये एक इत्तेहाद बनेगा, मुशर्रफ आएगा, ये इनको लीड करेगा, ये मैं आपको आज लिख कर दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए मेरी बात को, और इस किस्म की और पार्टियों को लाकर ये एक नई ताकत के साथ आएंगे, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि एक PTI एक वाहिद जमात है। को नुकसान नहीं होगा इसका? बहुत नुकसान होगा इसका, क्यों जो PTI को चाहिए कि, क्योंकि जो PTI थोड़ा सा, मैं PTI का नुमाइंदा हूँ, मैं अपनी गलती को महसूस कर रहा हूँ कि हमने जो 9-10 लाख वोट हासिल किए थे कराची में, हम उन तक नहीं पहुँच पाए हैं, ये गैप था जिसको हम फिल कर रहे थे, तो ये और हमें मौका मिला। अगर हमने अपने इस जद्दोजहद को बरकरार नहीं रखा, लोगों तक नहीं पहुंचे, तो फिर हमें नुकसान होगा। ठीक है ठीक है, आपकी तरफ आते हैं सर, तव्हां खां पुछंदासीं असां त हलो इहो त हले पियो हाणे MQM वारो, जेसि ताईं फाइनल कुझु थी वञे तेसि ताईं हिन ते असां फ़िलहालु कोन था ॻाल्हायूं, घणो कोन था ॻाल्हायूं मतिलबु, पर हीअ अहम जेका ॻाल्हि थी आहे नवाज़ शरीफ़ वारी, जेका अहम तमामु घणो सभिनी जूं निगाहूं हुयूं, नज़रूं हुयूं त छा फ़ैसिलो थियण वारो आहे, अॼु फ़ैसिलो थियण वारो हुयो, पर हिकु कयो वञे टिनी केसनि खे, छो त नमूनो हिकिड़ो आहे, अंदाज़ हिकिड़ो आहे, छा चवंदो? ऐं सुप्रीम कोर्ट रद्द करे छॾियो ने, केस गॾु आहिनि या 100 केस गॾु आहिनि, केस त साॻियो ई आहे, करप्शन मुझे क्यों निकाला, हा मुझे क्यों निकाला, उन जो जवाब त इहो ई आहे न, जेतिरो करप्शन कई तुझे उसके लिए निकाला। मियां साहब त माशाल्लाह जंहिं मुल्क में वियो, जिते क़दम रखी, सभई शहज़ादनि खे अंदरि कंदो वियो, हाणे आख़िरी बारी अथसि पंहिंजो पाण खे बि अंदरि कराईंदो। सर वारी वारो सिलसिलो आहे छा, तव्हांखे छा थो लॻे, वारी तुंहिंजी वारी, मुंहिंजी वारी, हुनजी वारी, इहो वारी वारी कोन्हे, उन्हनि जे अंदरि त हिकिड़ी शहनशाहियत आहे, हिकु फैमिली जे अंदरि वारीअ में आवाम केतिरो पीसजे थो? आवाम त बिल्कुलु पीसजे पियो, नवाज़ शरीफ़ पाण खां अलावा ॿिए कंहिंखे लीडर सम्झे कोन थो पंहिंजे तंज़ीम जे अंदरि, इहे त हर हुकुमरान सम्झंदो आहे, त मां ई सभु कुझु आहियां। न आहे, इलेक्शन थियनि था हर पार्टीअ में, पीपल्स पार्टी में बि थिया आहिनि, PTI में बि थिया आहिनि, हेठे लेवल जा। अच्छा भला हिकिड़ी अहम ॻाल्हि ज़रूरु तव्हांखां पुछां, ॾाढी अहम आहे, तव्हां टिनी खां पुछंदसि, जजनि जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाइणी आहे, उन्हनि ते को तनक़ीद करणु हिकिड़ी ॾाढी वॾी ॻाल्हि आहे, त उन्हनि चयो त उन्हनि जे बुग़्ज़ ते ॿधल उन्हनि जा फ़ैसिला आहिनि, पलांद ते ॿधल, बदले ते ॿधल, इनखे तव्हां कीअं था ॾिसो, छा था सम्झो? बोस जो कंहिंजे दिलि में जजनि खे छो हूंदो? नवाज़ शरीफ़ जो चवणु आहे, अॼु जेको चवणु आहे, ज़ाहिर आहे जॾहिं ॿिए जे ख़िलाफ़ु फ़ैसिला थियनि त उहो नवाज़ शरीफ़ खे क़बूल आहे अदलिया मां। साही वठूं था हिकिड़ी ब्रेक वठूं था, साही जो वक़्तु थी वियो आहे, अहम ॻाल्हि आहे जंहिं ते असां ॻाल्हायूं था, पर नंढड़ी साहीअ खां पोइ।